जैन तीर्थकरों की प्राचीन मूर्ति की खोज के बाद जैन समाज में खुशी की लहर है। इन स्तंभों में संवत 1084 और संवत 1351 के शिला लेख मिले हैं। कुकी ने बताया कि नैनवा कस्बे के बड़े तालाब के पास एक छोटी पहाड़ी पर अलग अलग संवत के 8 निश्चित स्तंभ एक ही लाइन में बने हुए मिले हैं। इनको देखकर लग रहा है कि कुछ पीढ़ियों के परिवारजनों ने जैन मुनियों की स्मृति में अलग अलग काल में इन्हें बनवाया हुआ। इन सभी स्तंभों पर जैन तीर्थकरों की मूर्तियां बनी हैं। कुकी के अनुसार नैनवा में मिले जैन समाज के स्तंभों के शिलालेख के अनुसार ये चौहानों के काल से पहले का है। इसका लिखित प्रमाण मिल चुका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी नैनवा के जैन समाज के स्तंभों को 1084 का होना प्रमाणित कर दिया है। कुकी पहले भी नई खोज कर चुके हैं। मैं ओम प्रकाश शर्मा, निकनेम मेरा कुकी है और मैं बूंदी राजस्थान में रहता हूं और मेरी हॉबी है आर्कियोलॉजी। तो इसके चक्कर में, आर्कियोलॉजी के चक्कर में मैं पहाड़ों में, नदियों में, जंगलों में घूमता रहता हूं। 16 अप्रैल की बात है, मैं इसी सिलसिले में, घूमने के सिलसिले में मैं नैनवा की तरफ गया। तो जिस रास्ते से मैं हमेशा जाता था उस रास्ते से नहीं गया। एक्चुअली में क्या हुआ कि एक मेगा हाईवे बन गया है नया, तो मैं उस मेगा हाईवे से, मेरे साथ में एक मेरा दोस्त भी था, तो हम नैनवा कस्बे की तरफ आए। तो वहाँ रास्ते में एक तालाब है, नैनवा कस्बे के बिल्कुल वहीं एक बहुत सुंदर तालाब है और तालाब के किनारे ही एक छोटी सी पहाड़ी है। तो जब हमारी मोटरसाइकिल उस पहाड़ी के सामने से गुजर रही थी रोड पे से, तो हमने देखा कि वहाँ पहाड़ी के ऊपर बड़े बड़े शिलाखंड हैं जो कतार में है, लाइन से लगे हुए हैं, करीब 8-10 थे वो। तो हम निकल गए, हमने सोचा किसी गांव वालों ने जो टपरी वगैरह बनाते हैं हमारे, क्योंकि राजस्थान में हमारे इधर पत्थर बहुत होता है, तो किसी टपरी वपरी के निशान होंगे। फिर हम तालाब के जो दीवार है उसके पास हम जाके रुक गए। फिर मेरे मन ने कहा इनको एक बार देखना तो चाहिए, जो पत्थर गड़े हुए लाइन से इनको देखना चाहिए। तो मैं वहाँ, एक शमशान भी है, तो उबड़ खाबड़ धरती है, छोटी सी पहाड़ी है, झाड़ जंखाड़ हैं। तो मैं जब उनके सामने गया, वहाँ पर पिलर थे, करीब 3 फुट से लेकर के 8 फीट तक के ऊंचे पिलर थे। तो जब मैं उनको देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनी हुई थी। किसी में तो एक थी, किसी में चार थी, चारों कोनों में थी, और उसके ऊपर संवत भाषा भी लिखी हुई थी, लेख भी थे, शिला लेख थे, और जिनमें एक शिला लेख था संवत 1084 का। अभी संवत 2081 चल रहा है, 3 साल बाद वो शिला लेख पूरा 1000 साल का हो जाएगा। और दूसरा जो वहाँ पर शिला लेख था वो संवत 1351 का था। ऐसे और भी शिला लेख थे। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैंने कहा आज तो अनायास ईश्वर ने एक बहुत बड़ी खोज कर दी है। फिर हम, मैंने उसके फोटो वोटो लिए और बहुत एकदम मैं आनंद से भर गया उन सबको देखकर, क्योंकि ऐसे जैनिज्म के चिन्ह मैंने कभी देखे नहीं थे और इतना बड़ा तो नहीं देखा था, 8 फुट का भी होगा कोई। तो मैं बहुत प्रसन्नता से भर गया। फिर मैंने स्वाति जैन को वहाँ से फ़ोन लगाया, क्योंकि मैं बताना चाहता था कि इतनी बड़ी डिस्कवरी हुई है, किंतु उसका फ़ोन उस समय लग नहीं था रहा या स्विच ऑफ होगा। तो फिर उसके बाद मैंने 2-3 फ़ोन किए, तो फिर मैं आगे की तरफ चला गया कहीं दूसरी साइड पे। लेकिन ये साइड मुझे हमेशा याद रहेगी, ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। इतने सारे जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिलना, शिला लेख मिलना, और उन शिला लेखों में भी 1000 साल पुराना शिला लेख मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो फिर मैंने स्वाति जी को फ़ोन किया, स्वाति जी से मेरी बात हुई, मैंने उनको फ़ोटो भेजे तो वो भी बहुत खुश हुई। तो उन्होंने और भी समाचार पत्रों को इस बारे में अवगत कराया, मेरा इंटरव्यू भी कराया, और ये भी मैं आपको जो वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जिनेंद्र। तो वहाँ नैनवा के जो तालाब है उसकी पाल के पास एक शमशान भी है और वहाँ एक पहाड़ी है छोटी सी, उस पहाड़ी या टीला कह दो, उस पहाड़ी के ऊपर मुझे 8-9 जैन स्तंभ मिले थे। वहाँ देखा कि 4 फुट, 4.5 फुट, 5 फुट और 8 फुट तक के स्तंभ खड़े हैं, एक ही लाइन में है, और उन सभी स्तंभों के ऊपर
जैन प्रतिमाएं बनी हुई हैं। तीर्थंकरों की जो प्रतिमा थी वो थी, और साथ में बहुत सुंदर शिलालेख भी थे। उसमें एक शिलालेख सम्मत 1084 का था और दूसरा सम्मत 1351 का था। इसके अलावा और भी शिलालेख थे। तो इन सबको देख करके फिर मैंने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को रिपोर्ट किया, तो वहाँ से उन्होंने अनुवाद करके भेजा। तो उसमें एक सत्य स्तंभ था जो 1084 सम्मत का था और दूसरा 1351 का ही निकला। तो एक बहुत बड़ी खोज है, ये बूंद के इतिहास को बदल के रख देगा। यदि हम काल के निर्धारण करें तो ये गुर्जर प्रतिहार काल के बैठते हैं। ये तो ये हमारे जो बूंदी क्षेत्र है उसकी प्राचीनता में एक मील का पत्थर साबित होगा। इतने जैन तीर्थंकर मुझे मेरे जीवन काल में, जब से मैं पुरातत्व के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मुझे कभी नहीं मिले। और इतने सुंदर वो स्तंभ हैं, उतनी सुंदर उनके ऊपर कारीगरी है कि देखते बनता है। बूंदी जिले के हिसाब से देखें तो, क्षेत्र के हिसाब से देखें तो, एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि गुर्जर प्रतिहार काल तक जा रही है।